अस्सलाम वालेकुम। रेजोनेंस मेथड, बेंजीन के हवाले से आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, रेजोनेंस मेथड। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा जाए ना, तो बेंजीन हाईली स्टेबल क्यों होती है, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी अपने जहन में रख लीजिएगा कि किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, क्या चीज़, मैं यहाँ पर छोटी सी चीज़ लिख रहा हूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी चीज की जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ये छोटा सा पॉइंट एक याद रखिएगा, सही है। अब रेजोनेंस मेथड से क्या मुराद है, रेजोनेंस कहते हैं किसको है, वो कहता है द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। पॉसिबिलिटी कहते हैं इम्कानात को, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ, पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। इस चीज को नाम दे रहे थे इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस का नाम दे रहे होते हैं, रेजोनेंस। भाई ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम, अब इस चीज को समझिएगा, पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखें, हमारे पास ना जब भी बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड की मैं बात करूं तो बच्चे हमारे पास, अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं ना, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद हमारे पास क्या होता है, दरमियान में इस तरह बॉन्ड बन जाता है। अब ये वाली चीज पेयर बन गई है, ये क्या, हमारे पास पेयर बन गया है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड से। बस ये चीज याद रखिएगा, असल में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। हमने यही यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे हम बॉन्ड रोटेट करेंगे, रोटेट करके हम पॉसिबल स्ट्रक्चर बेंजीन की कितनी हो सकती हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके बाद ना रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। बच्चे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, यानी कि हमने एक ऐसा एरो यूज करना है जिसके दोनों साइडों पे हेड होंगे, हेडेड एरो। वो किस तरह का होगा बच्चे, इस तरह का हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बेंजीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर बनानी है। बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है अगर आगे ना आपको, तो काम भी बड़ा इजी है, सही है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, आपने पता क्या करना है, सबसे पहले पांच बेंजीन रिंग, यानी साइक्लोहेक्सेन जिसको कहते हैं, वो बना लेने हैं पांच। ये पहला हमारे पास एक, इसके बाद ये दूसरा आ गया, ये हमारे पास सेकंड आ गई, इसके बाद ये वाली मेरे पास आ गई थर्ड, ये हमारे पास आ गया फोर्थ नंबर पे, और ये हमारे पास आ गया फिफ्थ नंबर पे। पहला काम ये करना है कि आपने पांच स्ट्रक्चर बना लेनी है, और इन पांच स्ट्रक्चर के दरमियान में आपने ये वाली चीज करनी है, यानी कि ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंस को। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंस को। अच्छा, अपना ये वाली स्ट्रक्चर में आपने पहले नंबर पर यहां से स्टार्ट करके कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपने देखो, अब यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप इसके साथ वाली साइड पे डबल बॉन्ड बनाओगे, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बना दिए। ये देखो, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे थोड़ी सी डिफरेंट है, पहले नंबर पे ये याद रखना है। अब इसके बाद पता क्या करना है आपने, आगे वालों में आपने इस तरह यहां पे काट के अगर नंबरिंग लिख लोगे तो भी सही है, अगर नंबरिंग के बगैर लिख दोगे तो भी सही है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर यहां पर नंबरिंग लिख लोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम, यानी इसको नंबर वन दे दो, 2, 3, 4, 5, 6, सेम इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा इसमें पता क्या करना है, अब यहां पे पहला बॉन्ड बनाना है, पहला ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, यानी कि पहला क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है बिल्कुल सामने वाले पे लेके जाना है, फिर दूसरे स्टार्ट करना है सामने वाले पे ले जाना है, फिर तीसरे स्टार्ट करना है सामने वाले पे ले जाना है। इतना बात समझ आएगी। अब इसके बाद बाकी जो दो बॉन्ड है ना, देखो एक बॉन्ड यहां बनेगा एक यहां बनेगा, यानी इसके बिल्कुल साथ में पैरेलल बनेंगे, ये ऐसे है तो इसके सामने इस तरह पैरेलल यहां और यहां पे बन जाएगा, अब ये ऐसे है तो इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पे और यहां बॉन्ड बनेगा। देख लो जितनी भी बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई है तीनों में ट्रिपल बॉन्ड ही है। अच्छा इसमें ना पहली दो स्ट्रक्चर्स को, पहली दो स्ट्रक्चर जो होती हैं इसको हम नाम दे रहे होते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर का। ये पहली दो स्ट्रक्चर क्या है, कैक्यूल स्ट्रक्चर, और ये वाली तीन स्ट्रक्चर दी थी दीवार नामी साइंसदान ने, दीवार डी ई डब्ल्यू ए आर, ये कहते दीवार स्ट्रक्चर, क्या हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर्स। तो पास्ट पेपर में अगर देखा जाए ना बच्चे, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, वो कहता है राइट डाउन द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो आपने ये पांच स्ट्रक्चर बनानी होती है, आपके दो नंबर होते हैं, इसमें मेंशन करना होता है कि दो हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, तीन हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर है, सही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर ही दे देता हूँ, ये पहली स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ नंबर पे है, और ये हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैक्यूल स्ट्रक्चर की, हेडिंग देंगे कैक्यूल, बहुत ही आसान ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पास्ट पेपर में, काफ़ी दफा आ चुका है, ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है, कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। बच्चे अगर मैं कैक्यूल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे गौर करोगे ना, आपको पहली और दूसरी स्ट्रक्चर जो पर हमने, क्योंकि नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग देने का मकसद यही था कि हम बता सकें कौन कौन से स्ट्रक्चर कहला रहे होते हैं, सही, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज नोन एज, इज नोन एज कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल स्ट्रक्चर, एंड इट हैव मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन, इसका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन था मालूम करने में, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा याद रखिएगा, अगर प्रीवियस लेक्चर में देखा जाए ना, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके यानी कि ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की थी, उसमें कहा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में पाई जाती है। ये भी याद रखिए, बाज दफा MCQ में पूछ लेता है कि बेंजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सही है। तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो बेंजीन की रिंग बन रही थी, ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, तो हम कहते थे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बेंजीन की मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, सही है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं ना, वो इन पांचों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इन दो स्ट्रक्चर्स का था, इसलिए आपकी बुक जहां भी देखोगे ना, आपकी यही दो स्ट्रक्चर आपकी बुक में बनी हुई है, जबकि ये तीन नहीं बन रही, यही मैंने बात लिखी है, इट हैव मेजर कंट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन था। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दीवार स्ट्रक्चर्स, दीवार स्ट्रक्चर्स। बच्चा हमारे पास आखिरी वाली तीन जो है ना, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर कहलाती हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इज कॉल्ड दीवार स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर, क्या नाम दे रहे थे, दीवार स्ट्रक्चर का नाम दे रहे थे। अच्छा अब यहाँ पे ना जो बातें लिखनी है पहले उसको सुन लो, इस पूरी स्ट्रक्चर में ना आपको एक बॉन्ड सबसे लंबा नजर आ रहा है, बाकी दो बॉन्ड छोटे हैं, वो लंबा बॉन्ड कौन सा है, कार्बन वन और फोर के दरमियान, टू थ्री और फाइव और सिक्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या है,
छोटे हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड वन और कार्बन वन और कार्बन फोर वाला क्या है, बड़ा है। इसमें टू और फाइव वाला बड़ा है, इसमें थ्री और सिक्स वाला बड़ा है। छोटे बॉन्ड कौन कौन से, जरा गौर कीजिएगा, वन टू वाला छोटा है, टू थ्री वाला छोटा है, थ्री फोर वाला छोटा है, फोर फाइव वाला छोटा है, फाइव सिक्स वाला छोटा है, और सिक्स वन वाला। दोबारा सुन ले, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स और सिक्स वन। दोबारा सुन ले, देखो हमारे पास जो छोटे बॉन्ड है ना, वो पहले नंबर वन टू, सेकंड नंबर पे टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स वन। ये वाला बॉन्ड क्या हमारे पास स्मॉलर है। इन दी वास स्ट्रक्चर्स, इन दी वास स्ट्रक्चर द बॉन्ड बिटवीन, द बॉन्ड बिटवीन, अगर बॉन्ड की बात की जाए, बॉन्ड बिटवीन कार्बन वन कार्बन फोर, देखो कार्बन वन और फोर के दरमियान में, टू और फाइव के दरमियान में, कार्बन टू कार्बन फाइव एंड कार्बन थ्री, कार्बन थ्री और कार्बन सिक्स के दरमियान में, कार्बन सिक्स हैव डिवाइस स्ट्रक्चर द बॉन्ड बिटवीन हैव हाई बॉन्ड लेंथ, हाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, सही है क्या, तो इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन, एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन, बॉन्ड बिटवीन कौन कौन से बॉन्ड के दरमियान में, वन टू, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन वन कार्बन टू, कार्बन टू कार्बन थ्री, कार्बन थ्री कार्बन फोर, कार्बन फोर कार्बन फाइव, कार्बन फाइव कार्बन सिक्स, कार्बन सिक्स एंड कार्बन वन। इनकी निस्बत ये वाले बॉन्ड थोड़े से बड़े हैं, सो ये वाली स्ट्रक्चर जो थी ना, ये इनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। कहता इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बेंजीन में कोई एक आधा बॉन्ड बड़ा हो, कोई एक आधा छोटा हो, इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं है, सही है। तो द बॉन्ड कार्बन वन और कार्बन फोर के दरमियान वाला, कार्बन टू और कार्बन फाइव के दरमियान वाला, कार्बन थ्री और कार्बन सिक्स के दरमियान जो लॉन्गर बॉन्ड है, कार्बन सिक्स, आर इनर्जेटिकली, इनर्जेटिकली नॉट फेवर्ड, ये ज्यादा अच्छे नहीं थे, एफ ए वी ओ यू आर ई डी, फेवर्ड। सो डिवार स्ट्रक्चर, इसलिए डिवार स्ट्रक्चर जो है ना, डिवार स्ट्रक्चर हैव माइनर कंट्रीब्यूशन, हैव माइनर, माइनर का मतलब होता है कम, मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, कैक्यूल स्ट्रक्चर का था, माइनर कंट्रीब्यूशन किसका है, डिवार स्ट्रक्चर का, हैव माइनर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन, मालूम करने में, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए इनका माइनर कंट्रीब्यूशन था। बच्चे ये चीज़ याद रखिएगा, बच्चे इसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है आपने याद रखनी। अब देखो मैंने एक बात कही है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसकी बेंजीन कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है, पाँच, जिसकी वजह से ये हाईली हाईली स्टेबल है। बेंजीन के हमारे पास हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, ड्यू टू द ग्रेटर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन इज द हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, ड्यू टू द ग्रेटर ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन इज स्टेबल मॉलिक्यूल,
बेंजीन स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद ना जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक कार्बन से लेकर दूसरे कार्बन तक का जो फासला है इसको नाम दे देते हैं बॉन्ड लेंथ का। तो ये ना तो अल्केन से मिलती है, ना अल्केन से मिलती है, ना ही अल्काइन से मिलती है। सही ही हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ, हेडिंग देंगे बॉन्ड लेंथ। ये कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, बेंजीन के कार्बन एटम के दरम्यान जो बॉन्ड लेंथ है इज नॉट मैच्ड, ये मिलती नहीं है मैच्ड विद अल्केन, ये ना तो अल्केन से मिलती है, ना ही अल्केन से मिलती है, और ना ही अल्काइन से मिल रही होती है। तो इन सब की बॉन्ड लेंथ क्या है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्केन इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्केन, अल्केन की अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो ये है इज 1.54 पिकोमीटर एंगस्ट्रम, यह है 1.54 एंगस्ट्रम। सही है, ये हमारे पास अल्केन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान की बॉन्ड लेंथ है। इसके बाद द बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्कीन, अल्कीन में अगर बात की जाए ये होती है 1.34 एंगस्ट्रम। इसके बाद द बॉन्ड लेंथ ऑफ अल्काइन इज 1.20 एंगस्ट्रम, और लास्ट वच इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज 1.397, इसको पहले हम याद कर चुके हैं। सही है, तो एक बात और यहां पर ऐड कर, द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी, यहां पे सी सी इन, बस ये एक छोटी सी बात याद कर लीजिए, यानी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान हम बात कर रहे हैं तो ये चंद एक बॉन्ड लेंथ की बात कीजिएगा, और लास्ट में मोस्ट सूटेबल बेंजीन स्ट्रक्चर, मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं जो मोस्ट सूटेबल बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह की है, कि आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बना के इसके दरमियान में सर्कल लगा दो, आपको कोई टेंशन नहीं है ये किस तरह की है। देखो हमने मुख्तलिफ इसके दरमियान में बॉन्ड बनाए, सही, बॉन्ड किस तरह आगे रोटेट कर रहे हैं, सही, इसको दिखाया, सही, देखें एक बॉन्ड जब यहाँ पे जाता है, ये देखो ये बॉन्ड यहाँ पे गया, अब यहाँ पे आ गया, सही है। तो मैंने पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब एक बात बताई थी, जब बॉन्ड रोटेट करता है असल में वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं, बॉन्ड नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान में। सेम हमारे पास यहाँ पे जब बॉन्ड यहाँ पे मूव किया तो इसे कितनी तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इस चीज़ को नाम देते हैं रेजोनेंस का, क्या नाम दे रहे होते हैं, रेजोनेंस का। और मोस्ट सूटेबल बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या करते हैं जी, आप बेंजीन साइक्लोहेक्सेन बना के दरमियान में आपने एक गोल सर्कल लगा देना होता है कि आपको ये सारी की सारी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन इसे एक बेंजीन में मिल जाती है। सही है, तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।